बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन शवारमा, जो कि सबका फेवरेट होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चिकन शवारमा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं वो ये हैं। चिकन के बोनलेस पीसेस लिए हैं बड़े बड़े हमने 2 अदद। 3 टीस्पून हमें चाहिए रेड क्रश चिली, 2 टीस्पून हमें चाहिए ब्लैक पेपर, 3 टीस्पून हमें चाहिए सॉल्ट, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए सिरका, 2 टीस्पून हमें चाहिए धनिया पाउडर, 2 टीस्पून हमें चाहिए जीरा जो हमने क्रश कर लिया है, 2 टीस्पून हमें तिक्का मसाला चाहिए, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए गार्लिक पाउडर और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए जिंजर पाउडर, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए लेमन जूस, 1 कप हमें दही चाहिए। अब हम एक बाउल लेंगे। अब हम इस सारी चीजें इस बाउल में मिक्स कर देंगे। ब्लैक पेपर डाल देंगे, क्रश रेड चिली भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर, विनीगर, सोया सॉस, टिक्का मसाला, जीरा, गार्लिक एंड जिंजर पाउडर, और लेमन जूस, और इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, 1 कप दही। मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को एक साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे चिकन। चिकन को हम कटिंग करेंगे बारीक बारीक लेयर्स में। इस तरह हम चिकन की लेयर्स कटिंग कर लेंगे और इस मिक्सचर में डिप कर देंगे इस तरह। इसी तरह हम सब लेयर्स उतारेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमने अपने चिकन को इस तरह बारीक बारीक लेयर्स में कटिंग कर लिया है। अब हम इसको बाउल में डाल देंगे। और तकरीबन 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तब तक हम अपना सैलेड कटिंग करेंगे। अब हम शवारमे के लिए सैलेड रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने खीरा लिया है, गाजर लिए हैं और ग्रीन चिलीज लिए हैं। इनको हम कटिंग करेंगे। हम इसको बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग करेंगे ऐसे। फिर ऐसे इसी तरह सारी कटिंग करते जाएंगे। खीरा हमने इस तरह कटिंग कर लिया है। अब हम गाजर को कटिंग करेंगे इसी तरह ही। सारे सैलेड को हमने अच्छी तरह स्लाइस में कटिंग कर लिया है। अब हम इसको विनीगर, पानी और नमक में डिप करेंगे। अब इस मिक्सचर में हम डिप कर देंगे। ग्रीन चिली से ऐड कर देंगे, कुकम्बर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा विनीगर और ऐड कर देंगे और इसको रख देंगे। तो शवारमा सॉस बनाने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत है वो ये है। ये मैंने अपना होममेड मेयोनीज लिया है, ये आप हस्बैंड जरूरत ले ले जितना आपको चाहिए। तिल लिए हमने 1 टेबलस्पून, सिरका लिया हमने 2 टेबलस्पून, ऑलिव ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून और साबुत काली मिर्ची लिए हैं हमने 1/2 टेबलस्पून। आप इसमें थोड़ा सा गार्लिक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने गार्लिक अपनी मेयोनीज में डाल दिया है। अब इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही।
सबसे पहले हम इन चारों चीजों को लेंगे और अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगी फिर हम इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे। अब हम इसमें सारी चीजें ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर डाल देंगे, ऑलिव ऑयल डालेंगे, तिल डालेंगे, विनेगर डालेंगे और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड भी कर देंगे, हाफ टी स्पून। पेस्ट हमारी बन चुकी है। अब हम इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप। और फिर से अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसमें मेयोनीज ऐड करके इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसमें निकाल लेंगे। हमारे चिकन को मैरिनेट हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अगर आप इसको सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आप इसको कवर कर लें, अदरवाइज आप इसको खुला छोड़ दें अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो। हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हमने अपने चिकन को एक प्लेट में निकाल लिया है और जो इसके बड़े पीसेस हैं उसको छोटे पीसेस में इस तरह काट लिया है और बाकी के पीसेस को हम इस तरह करेंगे कटिंग। बहुत गर्म हो रहा है ये। इस तरह सब पीसेस, बड़े पीसेस के हम छोटे पीसेस कर देंगे। पैन को हम गर्म कर लेंगे और इसमें ब्रेड रख देंगे। ब्रेड को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करेंगे। हमारी ब्रेड एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। हमारी सब चीजें रेडी हो चुकी हैं। ब्रेड पर हम हॉट सॉस अप्लाई करेंगे। इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर सिखाऊंगी। टाइम शॉर्ट होने की वजह से अब नहीं सिखा पाई। अगर आप कम लगाना चाहते हैं तो कम लगा लें और अगर ज्यादा खाना चाहते हैं स्पाइसी तो ज्यादा खा लें। इसके बाद हम शवारमा सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। पूरे ब्रेड पर शवारमा सॉस अप्लाई करेंगे। चिकन की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। सैलेड लगाएंगे जो कि हमने विनेगर में भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। ग्रीन चिली लगाएंगे। होममेड मेयोनीज लगाएंगे इसके ऊपर। और इसको रैप करेंगे। हमने बटर ब्रेड में इसको रैप करा किया है। पीछे से इसको फोल्ड कर देंगे। हमारा शवारमा ब्रेड बहुत ही अच्छी तरह रेडी हो चुका है जी। तो हमारे शवारमे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा।